पांच से दस साल तक वो बच्चे नहीं करने वाली रिया रिपली जो कि बड़ी मर्फी की गर्लफ्रेंड है हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में क्या चीज कहती है कि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों को उनके साथ ट्रैवल करना पड़ता है आप जानते हैं डब्ल्यू वाले कभी शहर में होते कभी उस शहर में कभी इस देश में कभी उस देश में तो ऐसे में दोस्तों रियापली नहीं चाहती कि उनके बच्चों पर गलत असर पड़े कि उनका उनकी जो खुद की माँ उनके साथ नहीं है तो यहाँ दोस्तों रिया रिपली ने ये चीज साफ कर दी अगले पांच से दस साल उनका एक भी बच्चा नहीं होगा हम बात कर लेते दोस्तों आज अपनी की अपनी सेकेंड अपडेट की सेकेंड अपडेट जो आज के बारे में जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों मंडे नाइट ड्रॉ में आने वाले एक नए टाइटल से तो यस गाइज यहाँ क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है क्या करके बताया जा रहा है कि गाय

तोहफा दे दे हालांकि वुमेंस टैलेंट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि क्या उनके लिए वो चैंपियनशिप आएगी या फिर नहीं लेकिन हाँ फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बात कर ले जा दोस्तों आज की अपनी थर्ड अपडेट की थर्ड अपडेट जो आज के बाद जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अबरे सोलो सिकॉ से रिक किशी ने हाल फिलहाल में कहा कि सोलो सिकॉ को कोडी रोड्स का पिन करना चाहिए या फिर उसे हराना चाहिए एक नॉन टाइटल मैच में ऐसा उन्होंने क्यों कहा वही चीज़ क्या है कि देखो सोलो सिकोआ तब तक खुद को ट्राइबल चीफ घोषित नहीं कर सकता है जब तक रोमन रेंस के लेवल को टच ना कर पाए रोमन रेन्स ऑलरेडी कौड़ी को हरा चुका है और ऐसे में अगर सोलो को खुद को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर करना है तो उसको ट्राइबल चीफ के जैस से कोड़ी को हराना पड़ जाएगा लेकिन गाइज सच्ची बात बताऊँ सोलो अपने दम पर तो कोड़ी को नहीं हरा सकते ये चीज़ हमने पास में देखी है बट यस yes, हो सकता है इन फ्यूचर हमें यह समय देखने को मिले कि सोलो सिका ने पिनफॉल ले लिए कोड़ी की क्योंकि सोलो सिका इससे पहले बड़े बड़े सरमा को हरा चुके हैं जैसे कि जॉन सीना हुए इवन रोमर रेंस के भी हाल फिलहाल मैंने पिनफॉल ली थी तो गाय इस पिनफॉल में आ, सोलो सिका की कोई बराबरी नहीं है और, और किसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पिनफॉल होनी चाहिए कोड़ी की और ऐसे में सोलो खुद को सॉलिडिफाई कर सकते हैं मेन रोस्टर में हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कोड़ी रोड्स इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो कि सिंगल्स कंपटीशन में बीते दो तीन साल में रोमन रेंस को पिन किए हैं रोमन रेंस हालांकि बहुत से सुपरस्टार से पिन हुए हैं लेकिन सिंगल्स कंपटीशन में सिर्फ कोड़ी ही उन्हें पिनफॉल में ले पाए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की जो कि हमारे जोड़े अलेक्सा ब्लिस तो गाइज अलेक्सा बिल्लिस्ट ने करा दिया एक ब्रांड न्यू टैटू यस गाइज अलेक्सा ब्लिस्ट ने टैटू करवा दिया है और गाइज इस बारी जो टैटू है और उनकी बेटी का है तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ दोस्तों उन्होंने अपनी बेटी का नाम यहाँ छपवाया है हैड्रिक रॉक करके और गाइज अलक्सा ब्लिस के बारे में बहुत से लोग बहुत से सवाल पूछते हैं मेन सवाल यही रहता है कि अलेक्सा कब लौटे क्योंकि समर फ्लाइम में रूमर्स आए थे मैंने भी आपको बताया था कि अलक्सा लौटने वाली लेकिन वो नहीं लौटी तो पगज मुझे क्या लग रहा है कि अब रोयट रंबल में ही उनकी वापसी पॉसिबल है क्योंकि रोयर रंबल इकलौता ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट है जो हम सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब देखेंगे दोस्तों वहाँ उनका क्या रोल रहता है हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की सीएम पंग की बात कर लेते हैं तो गाइज जब लेजेंड्स की बात लगती है सीएम पंग भी आ जाते हैं चर्चा में तो हमारे लेजेंडरी सीएम की वापसी कब होने वाली वी नो द फैक्ट सीएम इससे पहले रूमर्ड थे कि कल की रॉक का पार्ट हो सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कल की रॉक के अंदर दोस्तों उनका आने का चांस फिफ्टी फिफ्टी है तो गाइज बात उठती है कि कब हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट है दोस्तों ट्वेंटी सिक्स ऑफ डिसंबर को ये गाइज डब्ल्यू वालों ने अपना हॉलीडे टूर कंफर्म कर दिया और गाइज इसके साथ वो छब्बीस दिसंबर को यानी कि क्रिसमस के ठीक बाद एक शो रख रहे हैं एम सी एम एस जी से लाइव होगा और गाइज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सी एम पंक को एडवर्टाइज कर दिया गया आप जैसे कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यहाँ दोस्तों में सी एम की तरफ से वहाँ फाइट देखने को मिलेगी तो यहां दोस्तों सीएम पंक एक्सपेक्टेड है डिसंबर में रिटर्न कर देंगे या फिर उससे पहले भी हो सकता है बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसे बंदी की जो कि सीएम पंक की तरह ईडब्लू को छोड़कर आ सकता है और अगर आता है तो कंपनी को काफी बड़ा फायदा हो जाएगा कैन यू उमेगा के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है अगर आप रेसलिंग देखते होंगे आपको पता होगा ओमेगा कौन है ओमेगा दोस्तों अभी से कुछ साल पहले वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेसलर थे लेकिन जब से ईडब्लू स्टार्ट हुई कैन यू ओमेगा ने ई डब्ल्यू का रुख किया तब से दोस्तों उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और गाइस यहां रेसलिंग ब्लॉक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है क्या करके बताया जा रहा है कि कैन मेगा कॉन्ट्रैक्ट जो है जल्द ईडब के साथ खत्म होगा एंड दे इज ए हैवी चांस कि गाइस अगर वो कंपनी को छोड़ते हैं तो हमें सरप्राइज नहीं होना है दरअसल दोस्तों कैन यूमेगा के बारे में बोलू तो गाइज काफी टाइम से उनकी काफी गंदी बुकिंग चल रही है और जॉन मॉक्सली एके डी नम्रोजू का प्रोडक्ट था ईडब्ल्यू में जाकर ओवर हो गया लेकिन जो ईडब्ल्यू ओरिजिनल था कैन यूमेगा उसे दोस्तों ढंग से बुक नहीं किया गया तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि अब कैन योमेगा डब्ल्यू में आ जाए ऐसा कहना है रेसलिंग ब्लॉक का हालांकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है कैनी ओमेगा ने पास्ट में सरप्राइज किया था तो लास्ट टाइम उन्होंने फिर से ई को साइन कर लिया था तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है हालांकि दोस्तों अगर कैनी ओमेगा कंपनी में आते हैं तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी डब्ल्यूब्यू के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी रोमन रेंस की तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है गाइज ये असली नहीं है ये ए मेड है लेकिन ये पॉसिबल हो सकती थी रोमन रेंस के पंख हो सकते थे कब हो सकते थे अगर विंस मिक पावर में होते और साल होता दो हज़ार का क्योंकि गाइज उस वक्त जो रोमन रेंज थे उनका बिग डॉग कैरेक्टर था 2017-2018 2019 बिग डॉग के कैरेक्टर के तौर पर हमें ट्राइबल चीफ देखने को मिलते थे लेकिन गाइज अब वो ओ बन चुके हैं और यहाँ दोस्तों अब ऐसे तो नहीं आने वाले हालांकि दोस्तों काफ़ी अच्छी एआई जनरेटेड ये फ़ोटो जो है ये वायरल हो रही है हम बात कर लेते दोस्तों इस अगली न्यूज़ की इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों डब्ल्यू के डिसरिस्पेक्ट से डब्ल्यू वाले दोस्तों ओ टी सी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा डब्ल्यू वाले खुद दिखा रहे हैं डब्ल्यू वालों ने दोस्तों अपनी कवर पिक अपडेट कर दी है ट्विटर के ऊपर जाकर तो आप देख भी सकते हैं और इस बार ही दोस्तों कवर पिक पर उन्होंने तस्वीर डाली है क्राउन जेल की यस गाइस क्राउन ज्वेल में सोलो ने स्पाइक किया था ना रोमन को वो तस्वीर कवर पिक पर डाली फैंस इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश है आ, कुछ एक लिख भी रहे हैं दिस डिसरिस्पेक्टफुल थिंग जो कि डब्ल्यू वालों ने किया है रोमन रेन्स के साथ में रोमन रेंस कंपनी को कैरी किए चार पाँच साल उससे भी ज़्यादा और यहाँ दोस्तों इस तरीके से उन्हें डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है सोलो सिक्का की पिक उन्होंने लगाई है तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू वाले दिखाना चाह रहे हैं कि सोलो सिका भी कोई कम नहीं है हमें उन्हें आ, किसी खेत की मूली नहीं समझना चाहिए कल ही जाए दोस्तों अब अपने मंडे नाइट शॉ के प्रीव्यू की देन खबरों की डिस्कस करेंगे सबसे पहले दोस्तों मंडे नाइट रॉ में कल हम लोगों को देखने को मिलेगा बिग ब्रॉन्सन रीड की वापसी तो रॉ में वापस आने वाले रीड हम जानते हैं लास्ट टाइम सैथ रॉलिंग्स एंड रीड के बीच में जो कुछ हुआ वो काफ़ी दोस्तों अपमानजनक था खासकर एडम पेयर्स के लिए एंड होल कंपनी के लिए लेकिन हमारे लिए तो एंटरटेनिंग था तो यहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से इनकी ब्रॉल जो है रुकने नहीं वाली है क्राउन जेल में भी खड़े हो गए थे हारने के बाद तो यहाँ रीड एंड सैथ का मुझे लग रहा है फिर से ब्रॉल हो सकता है देन गंथर एंड डे मेरे एन पर इसका फेस ऑफ है गंथर ने कह दिया है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें कहने वाले हैं जो कि डी के दिल को तार तार करने वाली है तो यहाँ भी दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे दोस्तों डेम इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा इनके बीच में मुझे ब्रॉल लग रही देन समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग है जेड बियांका प्लेयर का मैच जो कि लिव मॉर्गन एंड रैक करने वाली है गाइज हो सकता है इस पर्टिकुलर मैच में टाइटल ऑन द लाइन हो और गाइज हम लोगों को बियांका एंड जेड इसमें जीतते हुए नजर आए क्योंकि लिव एंड रेक जीत जाती है तो गाइज इक्वेशन काफी खराब हो जाएगी वोमन्स टैग टीम डिवीजन की मेन इवेंट की बात कर लेते हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों हमारे अपने ऊसोस की तरफ से तो भाई ऊसो एंड सेमी जैन की तरफ से हम लोगों को एक मेगा सेगमेंट देखने को मिल सकता है इनकी यारी इनका प्यार दोस्तों हमें रॉ में फीचर होते हुए नजर आ सकता है लास्ट टाइम भी दोस्तों रॉ में फीचर हुए थे इस टाइम दोस्तों इनकी तरफ से एक प्रोमो देखने को मिल सकता है जो कि ब्लड लाइन के खिलाफत में आ सकता है वेल गाइज अब बात कर ली शायद आज की अपनी मेन खबर की तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द रॉक की सर्वाइवर सीरीज में इन्वॉल्वमेंट एन कोडियन रोमन रेस की टीम से भाई सबसे पहले चीज हो सकता है कि गाइज हमें रॉक देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज के बाद में इसके दोस्तों हिंट्स हाल फिलहाल में बताए जा रहे हैं कि गिराए भी गए हैं लेकिन हमारी नजरों में नहीं है सोलो इसका लास्ट टाइम दोस्तों जो वेशभूषा पहने थे वो एग्जैक्ट है जैसे कि दोस्तों द रॉक पहना करते थे 90s में तस्वीर में आप देख सकते हैं सेम टू सेम दोस्तों इवन गोल्ड चेन भी इन्होंने बाहर की और रखी है और टर्टल नेक के बाहर दोस्तों गोल्ड चैन सिर्फ रॉक पहनते थे और उनकी तस्वीर भी काफ़ी लेजेंडरी मानी जाती है और सेम लेजेंडरी ड्रेस पहनकर सोलो आ रखे हैं इससे पहले हमें कहीं ना कहीं ऐसे हिंट्स मिले हैं कि फ़ाइनल बॉस कोई और है और गाइज ऑब्वियसली फाइनल बॉस तो एक ही है जो कि हो सकते हैं द रॉक हो और उनके टारगेट पर इस वक्त रोमन हो और सर्वाइवर सीरीज़ के बाद हमें वहाँ उन्हें अगर चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं बट उससे भी बड़ा सवाल कि फिफ्थ मेंबर कौन होगा रोमन रेंस की टीम में अगर एक बारी को हमें मान ले कोई कोई बाहर से नहीं आ रहा है तो रोमन रेंस के पास फिफ्थ मेंबर के तौर पर है ही कौन ब्लड लाइन पूरी हो चुकी है और सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसके साथ रोमन रेंस ने हाल फिलहाल में फ्रेंडशिप की है नाम है कोडी रूट वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो कोडी का ओवंस के साथ में चला हुआ है और ऑर्गेइज कैिन ओवंस वर्सिस कोडी अगर मेन इवेंट में नहीं होता है तो यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है चूंकि सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मेन इवेंट में होगा तो कोड़ी की दोस्तों पॉपुलरिटी पर असर पड़ सकता है कोड़ी को दोस्तों शुरू में डाला जाता है अगर तो तो यहाँ दोस्तों हो सकता है कि ट्रिपल एच लंबी पारी खेल जाए और गाइज तो कैवीरोस को डाल दे सोलो सुखा की टीम में कोड़ी को डाल दे रोमन रेस की टीम में इवन हमने देखा भी था हाल फिलहाल में कि कोड़ी रोड्स ऑफ एयर देखने को मिले थे दी ओजी ब्लड लाइन के साथ पे तो गाइज यहाँ चांसेस बनते रहे हैं कि हम लोगों को कोडी रोमन भाई भाई के तौर पर देखने को मिले इस बार की सर्वाइवर सीरीज में और इससे पहले हमने इनकी टीम भी देखी है तो देखते हैं क्या कुछ रहता है हालांकि कुछ भी हो सकता है इस समय वीडियो आज की इतनी थी तो आपको क्या लगता है कोडियन रोमन को साथ में होना चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वीडियो आज की इतनी थी आज तक इतना ही धन्यवाद शबक है